तो भाई लोग जिसका आपको इंतजार था आखिरकार वो टाइम आ ही गया। तो आज फिर से टाइम हो गया है भाई FS22 खेलने का। तो आज हम खेलने वाले भाई फार्मिंग सिमुलेटर 22 और स्टार गेमर, नहीं यार स्टार गेमर नहीं भाई, स्टार ट्रैक्टर वाला चैनल में आपका स्वागत है। और भाई आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जल्दी से दबा दो फटाफट, जब से जब तक मैं चलता हूँ अपने खेत पे। और आज खिलाना भाई अपने काओ को खाना। तो भाई बेल बना दी मैंने बहुत सारी, ये देखो भाई ये बेल ही बेल हो चुकी है यहाँ पर इतनी सारी। और यार सीधे चलते हैं ट्रैक्टर के अंदर। तो भाई मैंने ना क्या करा था कि हे बना के और उसकी बेल भी बना दी और मैंने इसके अंदर भी इकट्ठी कर ली। तो अब चलते हैं, सबसे पहले गाय को खिलाते हैं हे। तो इसके अंदर है भाई 50,000 और ये स्ट्रॉ की बेल है, इसको मैं बाद में उठा लूँगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। और हाँ यार अपनी जो लगाई थी भाई ओट वो भी कट चुकी है। और हिंद के अंदर, अरे यार हिंद कहाँ खड़ा हो गया, अच्छा हिंद भाई बीच में खड़ा हो गया, चलो इसको बाद में साइड में कर देंगे। तो यार ये बहुत ही गंदे हो चुके हैं गाड़ियाँ और ट्रैक्टर, वैन को धोना है बहुत बढ़िया सा। तो अभी चलते हैं वाशर प्रेशर वाशर मारते हैं इनके ऊपर। लो भाई गाय को खाना खिला दे जल्दी से पहले, और लो भाई फौरन मार देता हूँ एक बार। आ जाओ भी आ जाओ सारी फटाफट इधर आओ। अरे कोई आ ही नहीं रही भाई, लगता है सारी घास खा भाई, वहाँ बाहर भी घास लगी हुई है तो शायद वो घास खा खा के उनका पेट भर गया। देखते हैं 50,000 है इनको पूरी हो जाएगी या नहीं। ये कि भाई अपनी मुझे लगता है सारी चली जाएगी, ये जाने लगी भाई, क्या आवाज आ रही है ये भाई, ये तो ख़त्म हो गई। अरे शाबाश लो भाई 50,000 आ गई खाने आई एक आई मेरी प्यारी सी, आओ गाँव माता इधर आओ आओ इधर, देखो मैंने खाना डाल दिया, ये एक आई दो आ गई, देखो तीसरी भी आ गई भाई, खाना आया जैसी देखो अंदर आने लगी, यह देखो वो देखो भाग भाग के जा रही है, देखो वो देखो स्पीड भाई स्लो मोशन में जा रही है देखो। अरे यार इधर नहीं उधर चल इधर तो अभी देखता हूँ जरा इनका खाना कितना हो गया है, मतलब टोटल फुल हुआ कि नहीं। अरे यार ये क्या, अच्छा तो काओ यार तो स्ट्रॉ इनको फुल हो चुकी है और फूड हे हो चुकी है 50,000, तो 80% हे से फ़ायदा होगा, लेकिन हे अभी थोड़ी सी और जाएगी। तो चलो चलते हैं फटाफट से, और भाई अभी उसको भी तो खिलानी है भेड़ को, तो भेड़ के लिए भी लानी पड़ेगी। तो ट्रैक्टर बाहर निकाल लेते हैं यहीं से सीधा करके, चल पीछे अरे इधर भाई हाँ काट दे बस भाई जॉन्डियर की स्पीड बहुत ही तेज़ है, मैं क्या करूँ। तो आज मैंने कपड़े भी पहने हैं भाई, जॉन्डियर के ऊपर बैठना था तो मैंने जॉन्डियर के कपड़े आज नए पहन लिए, तो मैंने कहा जरा मैचिंग हो जाएगी। ओ हाँ यार अभी एक ट्रॉली भी लेनी है और हिंद के अंदर से माल निकालना है, हिंद अभी तो रुक जा मैं बाद में आता हूँ। तो स्ट्रॉ की जो बेल है मैंने सारी बेल नहीं बनाई, थोड़ी सी स्ट्रॉ मैंने बचा ली है, तो उसको मैं ऐसे ही लूज उठा के और भाई उसको इकट्ठा कर लूँगा और खिला देंगे फिर बाद में काओ को। तो बेलर वैसे में अभी खड़ा हो रहा, तो अभी बेल और बना सकते हैं। तो ये लगता है एक मिनट, अरे यार यहाँ पर हे बची नहीं क्या, हाँ बची है भाई, मैंने थोड़ी सी बचाई थी ये देखो, तो यहाँ पर हे मैंने बचाई थी क्योंकि सारी बेल नहीं बनाई भाई, क्योंकि अभी पहले मैं इनको जरा खाना खिला दूँ, उसके बाद में जब फ्री हो जाऊँगा ना इनको खाना वाना दे के तो फिर मैं इसको बनाऊँगा। तो अभी मैं जरा इसको इकट्ठा कर लेता हूँ फटाफट से, इसको ऑन कर लेते हैं मशीन को, ये ले भाई आ जा भाई जॉन्डियर सीधा ले। एक दिक्कत है भाई ये जो बनी है ना हे, ये बनी है बहुत चौड़ी और ये उठाने में दिक्कत हो रही है, इसको दिक्कत क्या हो रही है देखो पीछे से देखो तो ये पूरी आती नहीं। तो जब मैंने बेल बनाई थी भाई मुझे दो बार घुमा के गाड़ी फिर लानी पड़ी, क्योंकि ये जो हे है ये मोटी बन गई, जो मैंने विंड्रोल लिया था ना वो भाई वो बहुत बड़ा था, उसने इतनी मोटी लाइन बना दी कि बेलर के नीचे पूरी फिट नहीं हो रही, तो छोटा लेना था विंड्रोल, तो मैंने वापस कर दिया। खैर वो अब तो ज़रूरत नहीं थी। लो अबे भाई ट्रॉली तो भरी जाएगी एक लाइन में, एक लाइन भाई बहुत लंबी है अपनी ये देखो। तो अभी चल रहा है अपन, अरे यार इसकी स्पीड कम कैसे हो गई, एक मिनट भाई इसको 90 पे कर लेता हूँ पूरा, हाँ ओके ले भाई। और इसकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है थोड़ी सी, गियर वेयर की जो थी अब सही चलता भाई ये, आ जा भाई। लो भाई 56% तो हो गई एक ही लाइन से, अब चलते हैं दूसरी लाइन के अंदर फटाफट। पहले मैं एक बार भेड़ को और इसको काओ को हे दे के और फिर उनको पानी वानी पिलाना है, थोड़ा सा पानी पिलाते हैं, देखते हैं इसके अंदर पानी का सिस्टम कैसे है।
वैसे बना तो हुआ है, एक पानी की टंकी वहाँ पर देखते हैं। अब उस टंकी से पानी भाई फ्री में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे खेत के पास ही नहर जा रही है, कनाल, तो भाई उस कनाल में चलेंगे और पानी भर के लाएंगे कनाल के अंदर, तो फ्री में मिलेगा भाई वहाँ से। तो क्योंकि यार $50 मिलियन चैलेंज है ये, और उसका अगर मैं ऐसे पैसे ख़राब करता रहूँगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। लो भाई फुल होने वाली है, और ये अपना देखो बंदा भाई आज माई मूछे देखो नत्थू लाल की बड़ी बड़ी भाई, जच रही है मूछे इसको, जो मर्जी कह लो देखो। और हाँ यार ज़रा स्पीकर तो ऑन कर लें यार, ऐसे मज़ा नहीं आता। अबे यार देखो मैं बाहर चला गया थोड़ा सा। अबे भाई सीधा चल, एक मिनट यार इसको देखूँ ये क्या हो गया। अच्छा भाई ट्रॉली फुल हो गई, मैं अभी सोचूँ इतनी तेज तेज कैसे चलने लगा ये। चलो एक बार फिर चलते हैं वापस, और बेल उठानी है अभी, देखते हैं कैसे उठेगी। और ये लैगिंग शैगिंग क्यों हो रही है पता नहीं, क्या दिक्कत है। ओहो आराम से आराम से आराम से आ जा। ये भाई लैड देखो क्या जच रही है हिंद को यार, उसने भाई ने बीच में खड़ा कर दिया। ओ हिंद को भाई हार्वेस्टर देखो हिंद का, ओह भाई क्या ही गंदा हो रहा है। और हेडर देखो भाई हालत ख़राब हो रही है। चल भाई चल 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 चल, तो काऊ को देखे हम निकल जाएंगे सीधा। काऊ को मेरे ख्याल 50,000 तो दे दी मैंने, अब 20,000 और जाएगी शायद, 20-25,000। लो भाई आ गई देखो भाई सारी काऊ अपनी आ चुकी हैं, खाना खा रही हैं फर्स्ट क्लास। अब देते हैं हे फटाफट से, लो भाई खा लो फटाफट से, दूध दे दो बच्चे दे दो ताकि मैं बेच के अमीर हो जाऊँ। लो भाई 50 और 10, 60,000 गई टोटल। अब चलते हैं भेड़ के पास, उसको भी हे देनी है, तो भेड़ को हम हे और घास दोनों खिला सकते हैं। तो चलते हैं इस तरफ, आवाज़ आ रही भाई क्रिच क्रिच। ओ यार कितने दिन से भेड़ भूखी हैं, सॉरी भाई मैं बस इंतजाम नहीं था। लो वैसे मैं चाहता तो स्टोर में से लेके आता और भाई ख़रीद के और इनको दे देता, लेकिन मैं कहा मज़ा नहीं आएगा। लो भाई देखते हैं कितनी हे जाने वाली इनके पास बस। अबे यार ये तो बहुत ही कम है। चलो भेड़ का भी हो गया भाई इंतजाम, देखता हूँ इसके पास पूरी हो गई 60,000। स्ट्रॉ भाई स्ट्रॉ भी फुल दी थी मैंने, देखो थोड़ी सी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई इसको सिर्फ 11,000 इतनी सी हे में काम चल गया, तो 65 भेड़ को इतनी घास और हे, और 80 गाँव को 60,000। चल भाई पीछे कर ले। एक यार ये व्यू इतना छोटा सा क्यों हो जाता है। बस चल अब इधर ही काट दे। बस कटिंग होएगी गलत तो फिर सही कर लेते हैं उसको। अब चलते हैं जो हे बची है ना इसको डाल देंगे रोबोट वाले खाने में, ताकि भाई जब रोबोट हम बाइजस उसके साथ काम करेंगे, रोबोट जब मतलब माल देगा गाय को खाना देगा TMR फूड, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। और तो इसको मैं डाल देता हूँ, तो जो मेरे पास साइलेज बची है उसकी मैं साइलेज बेल, जो सॉरी हे बची है उसकी भाई मैं साइलेज बेल बना सकता हूँ। और हे का खाना कौन सा है, अच्छा हे का भाई लास्ट वाला है। चल पीछे हाँ इधर। यार ये ट्रॉली फंस जाती है उसके अंदर, ये दिक्कत है। अरे 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 टेढ़ी, बस आगे निशान भाई आगे डाल देंगे हे बाकी। तो ये जो काउ है ना ये स्ट्रॉ और हे यहाँ से नहीं खाती, वहाँ पर देनी पड़ती है, यहाँ से रोबोट के लिए सिस्टम है। तो रोबोट को यार और भी सिस्टम देना पड़ता है ना, उसको भाई मिनरल फीड भी देना पड़ेगा। अब चलते हैं, अब चलना क्या है भाई, अब यहाँ इसको खड़ा कर देते हैं बस। अब इसका काम हो गया, गंदा बहुत हो रहा है भाई ये, एक मिनट। हाँ यार गंदा बहुत हो गया, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं और मैं जरा इसको खड़ा करके आता हूँ भाई, धोना है इसको यार बहुत बढ़िया सा। चल भाई चल इधर चल। तो यार बहुत बढ़िया फार्म हाउस है अपना, देखो यहाँ पर धोने का सिस्टम कहाँ था। अरे नहीं यार ये तो गेट आ गया, एक गलत आ गया। हाँ तो ऐसा होना चाहिए था इसके अंदर कि हम अपने ट्रैक्टर को नहर में लेके जाते और भाई नहलाते इसको बाल्टी के साथ नदी के अंदर, मज़ा आता। और ये क्या ही ब्रेक है, चल चल चल। तो ये जो गियर वाले है ना ट्रैक्टर, ये थोड़ा स्लो ही चलते हैं क्योंकि गियर लगता है पहला दूसरा तीसरा, उसमें टाइम लग जाता है। बस पहले मैं जरा इसको धो ही दूँ यार, और देखो लाइटें अभी जली जा रही हैं। ओके चल भाई, अबे उठा ले भाई, धो दूँ यार इसको जरा बढ़िया सा। ये भाई आगे देखो जाली के अंदर मिट्टी, भाई बहुत काम करा है इसने,
इतना काम करें कि बस पूछो मत। अभी न्यू हॉलैंड को भी लाता हूँ यार, उसको भी धोना है। और ट्रैक्टर भाई और आने वाले हैं, न्यू हॉलैंड नहीं सॉरी दूसरा कौन सा, हिंदुस्तान 60 और नाट 11 मैंने तैयार तो कर दिए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा काम बाकी है, शायद अगली बार लेके आऊँ उनको तो दिखाऊंगा आपको। फिर उनको ख़रीदेंगे, उनके साथ भी काम करेंगे, मुझे लगता हो गया यार इसका काम। चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे और चलते हैं भाई अपने, अरे इसके अंदर नहीं भाई, एक मिनट भाई, अपना बंदा तो ले आए बाहर। हाँ भाई ये रहा, तो ये था विंड रोड, मैंने वापस नहीं करा यार अभी तक, तो विंड रोड का काम तो हो गया फिनिश। एक मिनट भाई, इसको वापस ही कर दें, किराया लग जाता है यार नहीं तो। तो हेडर का काम भी हो चुका है, हेडर को अभी तो वापस कर देते, किराए पर लिया हुआ है। और ये विंड रोड था भाई, देखो कितना बड़ा था, 15 मीटर का, इसने भाई बहुत मोटी मोटी लाइन बना दी। अब मेरे पास बेलर भी है, अभी बेलर नहीं बेचूंगा, और ये गाड़ी भी मुझे चाहिए। और हिंदुस्तान इसका हाल देखो भाई, न्यूजीलैंड का देख रहे हो क्या ही गंदा हो रहा है। चल भाई इसको लेके चलते हैं, अभी एक ट्रॉली चाहिए यार, ट्रॉली चाहिए हिंद में से माल निकालना। इसको लेके चलता हूँ, पहले ज़रा धो लूँ, फिर हिंद को अभी बाद में देखता हूँ, बाद में चलते हैं। फिर अपनी ओट्स बेचनी है यार, फटाफट बेच के देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे उसके। चल भाई शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से अपने खेत। ओ भाई ये क्या हुआ, ओ भाई इसका देखो आगे से भाई, उसके बोनट पे और नीचे देखो मैट वैट, ओ भाई बहुत ही गंदे हो रहे दुनिया भर के, लग रहा है पता नहीं एक महीने से बेचारे नहाए नहीं है। चलो इनको पहले नहला देता हूँ यार बढ़िया सा। एक तो यार ये पाइप हाथ में आता नहीं इसके, ये भाई ओह इतनी मिट्टी भाई, वैसे जितना ज़्यादा गंदा हो ट्रैक्टर उतना ही धोने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। देखो भाई टायर के अंदर कितनी सारी मिट्टी जमी हुई, इसको निकालता हूँ पहले मैं, हाँ ऊपर चढ़ जाता हूँ दीवार पे भाई, दीवार से पाइप जरा अच्छा चलेगा। भाई मेरे न्यूजीलैंड का पेंट ख़राब हो गया यार, देखो आगे से घना काम कर दिया इसने भाई, बूफर वूफर पे मार दूँ जरा बढ़िया से। ये लो भाई ठीक है, चल भाई ओके तो करते हैं वापस अभी और न्यूजीलैंड को। इसको जरा मैं देख लूँ, इसकी बत्ती जली जा रही है, कोई बात नहीं। चल भाई आ जा, और अब चलते हैं इस पानी की टंकी के पास, तो पानी भी देना है ना गाँव को यार, पानी देने के लिए जगह कहाँ पर है। ठीक है गाँव को पानी देने के लिए जगह तो बनी नहीं है यार, सच में काफ़ी दिनों बाद खेलने की ये दिक्कत होती है कि आदमी भूल जाता है। इसको पानी देने के लिए जगह शायद अंदर ही थी ना, एक मिनट लो भाई, ओ भाई सारी काव आ गई देखो, पानी मुझे लगता है शायद यहीं पर देना था, लेकिन इसमें ये दिक्कत है देखो, इसमें इसके अंदर पानी आ नहीं रहा। देखो मिल्क स्लरी स्ट्रॉ स्लरी और हे ग्रास आ रही है, लेकिन भाई पानी लिखा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो चलो एक टैंक ले लेते हैं यार, क्योंकि अब दूध भी तो आएगा, फिर दूध भी तो बेचना पड़ेगा। तो चलते हैं स्टोर में और चलते हैं इसमें एनिमल्स के अंदर, एनिमल। अरे यार इसमें बहुत सारी कैटेगरी बहुत ज़्यादा हैं, ढूंढना मुश्किल है। ये रहा तो ये छोटा है, ये भाई दूध पानी सब उठाएगा, और ये 8000 लीटर का। भाई अगर ये लूँगा तो मुझे ट्रक खरीदना पड़ेगा, फिर पैसे लगेंगे। ये ले लेते हैं एक, 25000 का है, और इसका कलर ले लेते हैं यार। अबे यार इसमें कलर ही नहीं है, अबे यार रिम कलर ब्लैक ले लें, अच्छा लग रहा है। नहीं यार सिल्वर अच्छा लग रहा था, वाइट हाँ ये देखिए इसमें चमक तो है, ये अच्छा लग रहा है, पैसे भी लग रहे हैं एक्स्ट्रा, फायदा क्या। इसको ख़रीद लेते हैं क्योंकि अभी दूध बेचना पड़ेगा मेरे को, तो टैंक चाहिए मेरे को बार बार। और यहाँ पर देखो बंकर साइलो है भाई, पीछे साइलेज बनाने के लिए जगह दे रखी है बहुत बड़ी। आ जाए भाई देखता हूँ पानी इस टंकी से भर जाएगा कि नहीं, नहीं तो फिर भाई नहर से भरने जाना पड़ेगा। चलो चल अच्छा भाई थोड़ा टेढ़ा हो, एक भाई किल्ली से किल्ली मिली नहीं, ओके आ जाओ देखते हैं इसमें से पानी भर देगा कि नहीं। ओह आराम से आ जाओ, हाँ ठीक है तो भर ही नहीं रहा पीछे का, अच्छा आगे लाना पड़ेगा। ओह भाई टैंक कहाँ फंस गया, अरे यार एक मिनट उसको निकाल तो लूँ इधर को, बस मुझे लगता है अब भरेगा, मुझे लगता है टैंक में मुझे पानी लेके आना पड़ेगा, इसके अंदर भरना पड़ेगा तब मैं यहाँ से पानी भर सकता हूँ, ये मुसीबत है। तो चलते हैं अपनी नहर के अंदर, नहर अपने घर के पास ही थी कहाँ पे, ये गेट लगा रखा है, ये रही। तो एक मिनट ओ भाई ये तो बहुत गहरी है, डूब जाएगा ट्रैक्टर इसके अंदर,
एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं और भाई बैक करके लगाते हैं उसको, पीछे पीछे करते हैं उसको। हाँ चल घुस जा बेटा घुस जा। ओ भाई ये क्या हो गया, ओहो यहाँ से भर जाएगा पानी। अबे पानी नहीं भर रहा भाई यहाँ से भी, ये क्या दिक्कत है। अबे ये टैंक पानी वाला था अभी। अबे यार हाँ भाई दूध पानी फर्टिलाइजर हर्बिसाइड सब कुछ लेता है, लेकिन ये पानी क्यों नहीं भर रहा भाई। भर दे भाई भर दे, मुझे लगता है यहाँ से नहीं भरेगा। अबे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये पानी की टंकी खरीदनी पड़ेगी भाई, एक उसमें से पानी लेना पड़ेगा। पानी के लिए एक मिनट रुक जाओ, पानी के लिए एक और जगह थी, बाहर चलते हैं, एक नदी और है देखते हैं वहाँ से भर जाएगा तो। गेट बंद है यार, गेट खोलना पड़ेगा। चलो गेट खोलते हैं जल्दी से और देखते हैं। अबे यार बहुत स्लो खुलता है। ओ भाई इधर ही आ गए तो, अबे हट जा भाई लग जाएगा चोट लग जाएगी। हाँ एक नदी है बड़ी, चल ये है नदी भाई बड़ी, यहाँ से। ओ भाई यहाँ लगा रखा ट्यूबल, अच्छा 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 अच्छा। ओ भाई यहाँ पे ट्यूबल लगा के पाइप लगा के फिर भर सकते हैं शायद, देखो। हाँ यहाँ से पानी भरने की जगह। ओ रुको रुक, ओ भाई अबे यार ये क्या कर दिया। अबे यार ये क्या हो गया। ओ नो 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 नो, ये तो फंस गया भाई। ओ यार इसके चक्कर में यार सारा काम खराब हो गया। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से होता कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं होता ये ना। अबे यार गाय को पानी देने के चक्कर में मैं तो अंदर, मेरा ट्रैक्टर अंदर गिर गया भाई। चल जॉन डियर निकाल के ला यार उसको। अबे यार कौन सा गेट खोला था मैंने, सामने है ना गेट, इधर नहीं उधर से गया था, यहीं से गया था। हाँ यहीं से गया था भाई। अब इसकी लाइटें भाई अपने आप ही जले जा रही हैं। अब वो टंकी बना रखी है भाई, बताओ टंकी के अंदर से तो ऐसा होना चाहिए था ना कि पानी भाई निकल जाता। अब देखता हूँ इसके साथ कैसे निकलेगा यार ये भी ना डूब जाए। चल 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 चल, ओ भाई तो दोनों डूब गए। चल यार टोचन करके निकालना था, गलती कर दी। तो एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे लगाता हूँ इनको और बाहर निकालता हूँ यार जो भी पंगा है। अभी ये क्या है, ये क्या चीज़ है। अच्छा ये तो बेलर है भाई, मैं भी सोचूं ये क्या चीज़ आ गई भाई। रीसेट करो। ओके चल भाई तू भी रीसेट हो जा। ओके भाई टंकी इसको भी निकाल लो यार। ओके भाई न्यूलैंड तेरे से काम नहीं होता क्या, उसको डुबो के रख दिया तूने पानी के अंदर। अबे टंकी खरीदनी पड़ेगी भाई पानी की, ये ऐसे नहीं पानी मिलने वाला। ये बेकार नदियाँ बना रखी हैं भाई। गाय को खाना खिलाना यार महंगा पड़ रहा बहुत। एक मिनट भाई इसको बैक करके डालता हूँ नदी में, ये बड़ी है शायद यहाँ से भर ली। हो सकता है इसमें सिस्टम ना दे रखा हो, इसमें सिस्टम ये दे रखा है कि भाई अपना ट्यूबल से वहाँ पे लगाओ और फिर भरो। बस 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 भाई डूब जाएगा, फिर डूब जाएगा दोबारा। एक मिनट ट्रैक्टर को सीधा कर लूँ यार थोड़ा सा। बस बस ओ बस 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 बस। अबे भाई ये बहुत गहरी है भाई, ये नदी बहुत गहरी है। हाँ तू तैर ले। अरे भाप यहाँ से नहीं भाग, यहाँ से काम नहीं होने वाला भाई। दो बार कोशिश करी दोनों बार फेल हो गए। चल भाई बाहर आ जा। एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर टैंक। वाटर टैंक लिखा था, पानी तो देता नहीं ये नदी भाई। ये सामने नदी है ना। एक काम करते हैं, कहाँ गया भाई कहाँ गया। अच्छा भाई उस तरफ जाके नदी है, पानी तो मैं फ्री में भर के लाऊंगा, देखता हूँ कहाँ से फ्री में मिलेगा। जॉन डियर का भी यहीं पे रहने देता हूँ भाई। बाहर के देश में ये अच्छा है कि जहाँ पर मर्जी सामान खड़ा कर दो, कोई चोरी नहीं करता, कोई कर ले तो बड़ी बात भी नहीं है। चल ओके भाई गाड़ी आ रही, चल 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 निकल निकल चल ले। अबे यार ये भी अजीब आदमी है, इतनी जगह दी है तेरे को जाने को, जा नहीं रहा, खड़ा खड़ा शोर पा रहे। भाई उधर चलते हैं उस तरफ, मुझे एक नदी सी नज़र आई है। एक मिनट सही जा रहा हूँ, पहले मैं देख लूँ मैप के अंदर। हाँ भाई सीधा जाके और अपना न्यूलैंड देखो यार। ओए भाई क्या ही चमक गया यार है भाई, इसको यार बंद कर दूँ मज़ा नहीं आता। ओह भाई क्या जच रहा है भाई, एकदम बढ़िया नया नकोरा हो गया एकदम। आ रहा हूँ पानी लेके आ रहा हूँ। तो ये देखो स्ट्रॉ भाई यहाँ पर बची है बहुत सारी, अभी ये उठा के वैसी लूज उठानी है मेरे को।
देखता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, ये बाइक चढ़ गया। हाँ ये रही नदी 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 नदी। ओ भाई दोनों तरफ है भाई, यहाँ से भर जाएगा पक्की बात है 100%। इसमें ट्रैक्टर डूबेगा भी नहीं अपना। देखता हूँ ये ज़्यादा गहरी तो नहीं है भाई, ये इतनी गहरी तो नहीं लग रही मेरे को, बाकी कोई पता भी नहीं। थोड़ा सा अंदर जाऊँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, देखता हूँ। एक मिनट देखता हूँ, यहाँ से भर दे भाई, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे भाई। अरे यार ये भी यहाँ से भी नहीं भर रहा। ठीक है यहाँ पे ठीक, अब तो भर जाएगा भाई। क्या ही चक्कर कर दिए इन्होंने भाई। FS22 बहुत महंगी गेम बनाई इन्होंने, यानी कि इसके अंदर से हम पानी नहीं भर सकते। ये देखो नदी तो बहुत बढ़िया बना रखी है, पानी नहीं भरा भाई यहाँ से। वापस जाके टंकी लगानी पड़ेगी भाई पानी की। चलो चलते हैं वापस फिर, अब क्या करें। मैं तो सिर्फ देख रहा था भाई कि पानी फ्री में मिले, क्योंकि पानी तो भाई बार बार पिलाना पड़ेगा, तो कौन पैसे खर्चेगा इतने। गाड़ी तो नहीं आ रही थी भाई, मैं फुर्ती से निकाल लाया। तो अभी इन बेल को उठाना भी है, चलो देखता हूँ अभी बेलर वेलर पर वो लेके अभी कोई ऑटो लोडर लगा लूँगा यार, फटाफट उठा लेगा वो। पानी की टंकी भाई उसके पास ही लगा लेता हूँ, एक काम करता हूँ ना, क्योंकि उस तरफ ही है यहाँ पर। बस 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 चलते हैं स्टोर में। और प्लेसेबल कौन से थे भाई, अरे कहाँ गए, अरे यार कहाँ गए वो, ये थे क्या, अरे किधर मिलते थे यार। मैं तो यार सच में पानी की टंकी किस में मिलती थी यार, इसके अंदर मिलते थे है ना, इसके अंदर मिलते थे ना। पोटैटो लैब आई थे, नहीं यार ये तो अच्छा, ये पुरानी गाड़ियाँ, अच्छा पुराना सामान मिल रहा भाई। ये गैराज हो गया, ये हो गया, अच्छा ये था भाई नीचे। यार ये क्या बना रखे तीन लाइनें सी भाई, इसके ऊपर कोई निशान बनाओ। कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। और पानी की टंकी प्रोडक्शन एनिमल में नहीं है। ओके एनिमल में हॉर्स पिग शीप बियर अदर्स नहीं, ये तो कुत्ते घर हो गया। प्रोडक्शन हो गई नहीं, हो गया बिल्डिंग हो गई, डेकोरेशन हो गई। बस किसमें मिलेगी पानी की टंकी यार, ये लैंडस्केपिंग हो गई, एनिमल हो गए, प्रोडक्शन में भी नहीं है। अच्छा इसमें ये है ना ग्रीन हाउस, ओके जनरेटर, एक मिनट बिल्डिंग में देखते हैं। अरे यार ये रहना फार्म हाउस टूल, देखो कहाँ कहाँ छुपा के बना रखे भाई, ये लगा रखा प्रेशर वाशर। पानी की टंकी कहाँ भाई, इसके अंदर शेड साइलो एक्सटेंशन कंटेनर, अबे कंटेनर में है भाई। ये रही 3000 की लीटर, 5000 लीटर की स्मॉल पेट्रोल टैंक वाटर टैंक, हाँ इसको लगाते हैं इसके साथ 3000 रुपये का। अब ये इसके अंदर भी पानी भरना पड़ेगा कि इसके अंदर से पानी मिल जाएगा भाई, अभी कोई पता नहीं है। देखता हूँ इसको इसके साइड में लगाता हूँ यहाँ पे। तो भाई एक ही लगाना है, कितने लगाऊंगा और, उसके अंदर से पानी मिलेगा लेकिन पैसे कटेंगे। देखता हूँ इससे भरा भाई, इससे भी नहीं भरा गया तो बेड़ा गर्क ना भाई, इससे भी नहीं भर रहा। आगे लिया, अबे क्या ही चक्कर है, पानी कहाँ से मिलेगा भाई। भाई इसके अंदर मुझे लग रहा है पानी नहीं है, इसके अंदर वहां से ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए भाई, वो वहां से पाइप लगा के पाइप पानी निकलेगा। तो भाई ये तो फिर गड़बड़ वाला मामला है। तो ये तो टंकी बेकार हो गई, इसको तो बेच देंगे वापस बाद में। यार एक मिनट मैप के अंदर देखता हूँ, ये नदी है, ये कनाल है, और एक नदी यहाँ पर है। इसके पास कुछ है, इसके पास कोई जगह नहीं है यार। एक मिनट भाई टेस्ट कर लें इसको भी, वहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिल रहा। मुझे लगता है इसके अंदर भाई सिस्टम नहीं है, इसके अंदर से वो करना ही पड़ेगा काम। तो ये क्या है, लाइम स्टेशन यार, कहीं ना कहीं तो होगा पानी के लिए, कहीं ना कहीं से ख़रीदना होगा। एक मिनट रुक जाओ अभी देखता हूँ, मैन्यूर हीप है, ये तो अपना फार्म हाउस आ गया, छोटा करता हूँ यार इसको। पानी ख़रीदने के लिए ये देखो
लाइम स्टेशन लगा रखा, ये क्या है? अरे नहीं भाई, ओ नहीं भाई, इसमें तो पानी का सिस्टम ही नहीं है। एनिमल डीलर, बस सब जगह लाइम स्टेशन लगा रखे, कितनी लाइम खाओगे तुम? ना भाई, पानी है ही नहीं इसके अंदर। ये टैंक, एक मिनट यार, इसको मैं इधर से लगा रहा हूँ, घुमा के लगा के देखूँ, यहाँ से लगाता हूँ, देखता हूँ। यहीं से पानी भरना तो चाहिए यार, भर क्यों नहीं रहा? हद हो गई यार। यू फर्स्ट नीड टू फिल द टूल। अबे तो टूल को फिल करने के लिए, फिल तो कर रहा हूँ मैं, फिल हो ही नहीं रहा भाई। ये नहीं सही, FS19 सही थी, उसके अंदर पानी आराम से मिल जाता था, इसके अंदर तो मिल ही नहीं रहा। ओ भाई, इसके अंदर पानी वानी का कोई सिस्टम नहीं। आधा घंटा हो गया पानी के चक्कर में भाई, इसको अभी यहीं पे खड़ा कर देता हूँ टैंक को। पानी का सिस्टम देखना पड़ेगा भाई इस मैप के अंदर, इस एरिया में पानी कहाँ से मिलेगा। अभी गाय को प्यासा रहने दो थोड़ी देर, बाद में देखते हैं। तो अब चलना है अपनी ओट बेचने, चलते हैं ओट बेचने। पानी वानी तो मिला नहीं, समझ नहीं आया यार पानी। ओ भाई, चलो इधर चलते हैं और ट्रॉली वहीं पे ले लेते हैं, खरीद के यहीं पे खरीद लेते हैं ट्रॉली एक। बस बस बस, ओके। तो ओट अपनी है कितनी देखूं, इसके अंदर ओट है कितनी हिंद के अंदर भाई? 86, 1 लाख के आसपास भी नहीं हुई यार, बहुत कम आई है, 86,000 ओट आई है बस। तो चलते हैं भाई एक बार अपने ट्रेलर के अंदर, ट्रेलर ये रहे, और अपने पास ट्रेलर था 1 लाख कैपेसिटी वाला, कहाँ गया रे? ये रहा, इसकी कैपेसिटी 10,000, 18,000, 1 लाख। और इसका कलर करना है बस चेंज, चेसी का कलर कर लेते हैं ब्लू, ओ सॉरी नीचे कर लेते हैं रेड, ऊपर कर लेते हैं भाई ब्लू। सही लग रही है, जच रही है, ये कर लें, ये ज़्यादा डार्क हो गई, ये ठीक है लाइट, ओके। इसको भाई ये खरीद लेते हैं, 1 लाख की कैपेसिटी है, बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो कुछ सामान मैंने आज खरीद लिया यार देखो, क्योंकि अभी जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो लेना तो पड़ेगा ही। चलते हैं इसको लगाते हैं इसके साथ, तो देखते हैं ओटा कितने की ओट बिकने वाली है अपनी। बस यहाँ पे खड़ा हो जाते, बस ओके। सिस्टम नहीं है यार इसके अंदर, पानी का सिस्टम भाई सही होना चाहिए था यार, ये तो गड़बड़ कर दी। चल भाई हिंद डाल दे ओट उसके अंदर, हिंद की देखो हालत भाई, हिंद भी अपनी है, मैंने खरीद ली है। चलो ये डाल देगा जब तक, एक मिनट देखूं। अरे यार अपने गराज में भाई 2 ट्रैक्टर हो चुके हैं, एक हार्वेस्टर हिंद का हो चुका है, ट्रॉली हो चुकी है, पानी का हो चुका है। ये नहीं समझ आया यार पानी का, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ओ भाई ये क्या हो गया, ओट भर दी पूरी। चलो ये अच्छा है यार, पाइप बढ़िया है और आराम से लग जाता है, देखो कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए बात काफ़ी बढ़िया है। चल हिंद को अभी मैं यहाँ पे, हिंद को यार अंदर ले ही चलता हूँ एक मिनट, हिंद को धो के आता हूँ यार पहले, बहुत गंदी हो रही भाई। हार्वेस्टर को एक बार धो लेते हैं बढ़िया सा, और काव अपनी मौज कर रही है, खाना पीना खा के, पीना नहीं मिला अभी तो। मैं इसमें देखता हूँ पानी का सिस्टम कैसे होगा, अगली बार फिर करता हूँ भाई इसका कोई इंतजाम, क्योंकि यार ये ऐसे तो पानी फिर कैसे मिलेगा, नदी में से नहीं मिला। FS19 में जहाँ मर्जी जाओ नदी के अंदर भाई, पानी अपना निकालो और आराम से गाय को पिलाओ, इसके अंदर नहीं है सिस्टम यार। इसके अंदर मुझे लगता है ये क्या है, ये तो फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ हो रहा है। ये भाई अपने हिंद, और इसका लगा बढ़िया सा, और इसके अंदर भी है क्या इंडिकेटर। हाँ चल बस भाई इसको यहाँ पे खड़ा करता हूँ, बस बस। ओ भाई क्या ही गंदी हो रही है, ओहो भाई बहुत बुरा हाल हो रखा। चल भाई धो दे इसको जल्दी से भाई, मेड इन पंजाब हिंद, ब्रावो हिंद 999, ब्रावो हिंद। ये भाई गोल्डन कलर चमक गई भाई यार, इसके आगे बहुत गंदा है देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे
आगे साफ करना पड़ेगा, यहीं से माल जाता है ना अंदर भाई, यहीं से फसल अंदर जाती है अपनी। ओए होए भाई क्या कलर निकला, नाभा भाई नाभे दी है भाई पंजाब दी। आलू भाई पैप के अंदर भी मार दें, पैप की मोरी के अंदर, पैप के अंदर से फसल निकली थी। ओके भाई इसको भी साफ कर दें पाइप को, और नीचे टायर वायर ये लो भाई, क्लेंसर व्लेंसर सब साफ कर दूंगा भाई, ड्राइवर की सीट को अच्छी तरह साफ कर दूँ यहाँ पे। ओके भाई चल इसको लगाते हैं वापस और चलते हैं अपने प्लेयर को लेके। अभी हिंद को यहीं पे रहने देते हैं और हिंद को बाद में नहीं आ रही। और बेलर, अच्छा भाई अपना बेलर भी अभी तक खड़ा हुआ यार, उसको भी करना था इंतजाम उसका भाई। इसको ओ भाई भाई, ओ इधर इधर इधर, ये डंडी सी क्यों लगा रखी है। अच्छा सेफ गार्ड, वाह तोड़ दे बोर्ड। तो ये डंडी लगी हुई पीछे दो, सेफ गार्ड है ये, मतलब इससे दूर रहो क्योंकि इंजन होता है गर्म भाई, किसी का हाथ लग गया तो जल जाएगा। तो यहाँ पर भी बना रखी है मैन्यूर के लिए जगह, ये यहाँ पर कहो कि मैन्यूर आएगी क्या, देखते हैं कहाँ पर क्या आएगा। इसको भाई यहाँ पे खड़ा करता हूँ, बहुत जगह है देखो, अपने शेड बहुत है भाई अपने पास। चल कर पीछे, बस बस ठीक है भाई, छाँ में रहेगी, इसका जो कलर है गोल्डन ख़राब नहीं होगा। तो कहाँ गया मेरा जॉन डियर, अरे जॉन डियर बाहर खड़ा हुआ यार, इसको भी अंदर लगा के आऊँ। तो ये देखो यहाँ पर भाई सिस्टम बना हुआ है ट्यूबवेल का, यहाँ पे पाइप लगा के सिस्टम कुछ लगाना पड़ेगा यार, ये तो दिक्कत वाला काम हो गया भाई। हम ठहरे देसी बंदे, गए अपना और नदी में डुबोई गाड़ी और भर लिया, लेकिन ये यहाँ पे कुछ और ही दिक्कत है। चल भाई जॉन डियर तो भी खड़ा हो जाए अभी, भाई इसका रंग हरा है, हरे से सफ़ेद हो जाएगा अगर धूप में खड़ा रहेगा। ये ब्रेकें देखो क्या शानदार मारता है। अब चलते हैं ओट के अंदर और चलते हैं एक बार ओट देख लेते हैं कहाँ पर बिकेगी। ओट बिकेगी ओ भाई 1700-1800, और ये ग्रेन मिल पे 1800 रुपये भाई, 1800 वाले बेचेंगे। कहाँ गई वो, अरे यार अरे सामने ही है भाई। तो ये मिली भाई 273 भाई यार, ये पीछे जो एल बना हुआ है ये लगता है 1 है। तो ये सामने है, निकल जाए खेत में से, चलो शॉर्टकट मारते हैं, किसी का खेत है कल्टीवेट करा हुआ यार। चल 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 फटाफट और मार दे यार बढ़िया सा। वैसे गड़बड़ है नदी के अंदर से भाई, पानी मिलना चाहिए था, ये तो कोई बात नहीं हुई। ओ भाई आराम से गाड़ी देख ले भाई, कोई गाड़ी वाड़ी कोई नहीं आ रही, चल घुसा दे फटाफट। देखते हैं 1,00,000 की ओट बिकेगी, कितने की बिकेगी भाई 1,00,000 की, तो भाई बिकनी चाहिए 1.5-1.5 लाख की, तो 1,00,000 रेट 1700-1800, तो 1.5 लाख की बिकेगी भाई, मज़ा आ जाएगा फिर तो ज़िंदगी का। तो भैया गई अपनी ओट, ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ये हुआ ढक्कन बंद। देखो भाई 1,55,000 की ओट बिकी, तो जो हमने सामान खरीदा आज उसके भाई पैसे वसूल हो गए। हाँ चढ़ जा तू उसके ऊपर, तो सर्च करनी पड़ेगी इस जगह पे पानी सिस्टम हमें कैसे लगाना पड़ेगा। गाड़ी वाले ओ तेरी ऐसी की तैसी, मैं सोच रहा था उसके आगे से फटाफट निकल जाऊंगा स्पीड के साथ, लेकिन निकल नहीं पाया भाई। ये देखो ये लगी हुई है वो हरी हरी सी घास, रेडिश ऑयल सीड रेडिश, इससे हम फसल अच्छी उगती है इससे। चल भाई न्यूलैंड ले चल बैठा भाई, स्पीड देखो फुल 93 की स्पीड है। अबे 93 कैसे हुई, बढ़ाओ यार इसको, स्पीड कम हो जाती है भाई कभी कभी। लो भाई अब ये बेल पड़ी है, इनको मैं उठा कर रख लेता हूँ फिर बाद में, और स्ट्रॉ को इकट्ठी करके और मैं डाल दूँगा रॉबर्ट वाले खाने में। और अभी मुझे बेल सारी उठानी, देखो बहुत सारी बेल है भाई, भरा पड़ा है ये मैदान। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो फिर बहुत टाइम लगेगा, अगली बार उठाएंगे इनको। अभी ट्रॉली को ले चलते हैं, ट्रॉली अपनी हो चुकी है अब, तो अपनी एक ट्रॉली तो आई यार कम से कम। तो ये ट्रॉली अभी मेरे को चाहिए आज, क्योंकि आज तो मैं अभी सामान उठाऊँगा इससे, और इसको मैं अभी खड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ओह यार ये ट्रॉली भी गड़बड़ वाली है, ये ट्रॉली भी यार इसके पहिए 4 है।
तो ये काम करते हैं इसको। अबे यार ये कैसे चढ़ जाता। ओ भाई सामान ठोक मत, तो अभी मैं ये फिलहाल यहीं पे खड़ा कर देता हूँ यहीं पर ऐसे। तो आज भाई खाना वाना खिलाया, बड़ी मेहनत लगी, पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरे को पानी, लेकिन फिर भी नहीं मिला। अब पानी कहाँ से मिलेगा यार ये नहीं पता, और देखता हूँ अगली बार पानी का सिस्टम कैसे होगा। तो आज खाना तो खिला दिया, अब देखते हैं अगली बार कुछ जो अपना खेत है एक खाली पड़ा है ना उसके अंदर फसल लगानी है, और भाई जो बेल है उनको उठाना है, और बेल उठा के फिर मुझको उसके अंदर भी फसल लगानी है, फिर अगली बार कटिंग करेंगे कुछ। तो इसके अंदर एक बार देखें तो कौन कौन सी फसल है यार, देख लेते हैं एक बार। तो अभी चल रहा है कौन सा नवंबर का महीना, और फसल इसके अंदर इसमें चलते हैं ना, वीट बार्ली ओट लगा दी, कॉर्न है, कॉर्न लगा सकते हैं हम, सनफ्लावर कॉटन शुगर बीट गन्ना ओलिव ग्रेप्स लगा दिए, और दूसरी फसल कौन सी है, ये है ऑल्सिड रेडिश। तो देखता हूँ शायद ये लगा देते हैं कॉर्न या सनफ्लावर या सोयाबीन, और अभी सीजन चल रहा है तो कौन सा आएगी फसल देखता हूँ एक बार। यार अभी चल रहा भाई नवंबर, नवंबर में सारी फसलें कटिंग टाइम होता है, फरवरी के अंदर कॉटन लगेगी, देखो फरवरी और मार्च के अंदर कॉटन लगेगी। तो पॉपुलर लगा सकते हैं, ग्रास लगा सकते हैं, ऑलसीड रेडिश ये तो बेकार है, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं, ग्रास तो अपनी लगी हुई है, ग्रास का कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं मार्च में पहुंचते हैं, मैं सारी बेल वेल उठा के फिर पहुंचता हूं मार्च में, और उसके बाद फिर लगाते हैं सारी फसल, सोयाबीन सनफ्लावर और कॉर्न कहाँ गई भाई, कॉर्न लगाएंगे अप्रैल में। अच्छा तो मार्च में लगाते हैं पहले, फिर अप्रैल में लगाएंगे, फिर मई में लगाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे सीजन के हिसाब से। ठीक है तो यार ये था आज का गेम प्ले, आज पानी नहीं पिला पाया मैं भाई, उसके लिए सॉरी, अगली बार पिलाता हूँ फिर देखता हूँ सिस्टम। तो उसके लिए मुझे पाइप वाइप लाना पड़ेगा, फिर उसके साथ सिस्टम लगाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए, तो उसका मैं करता हूँ इंतज़ाम। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आपको सॉरी यार वो कोई आ गया था अचानक बताना कमेंट लाइक करके, और भाई अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक जल्दी से कर दो, मेरे सामने यार लाल वाला बटन है ना उसको दबा के एक घंटी आएगी, घंटी को भी दबा देना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना यार। और व्यू कम आए थे पिछली बार, 3,000 ही आए हैं यार, कम से कम 10-20,000-25,000 व्यू तो आए, तो फिर मज़ा आता है अगला वीडियो बनाने में। ठीक है तो ये था $50 मिलियन चैलेंज का अगला पार्ट, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खाओ पियो भाई, और अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो अपनी और अपनी फैमिली का। ओके दोस्तों, बाय बाय।